हाँ जी बेटा, सेवेंथ क्वेश्चन में बेटा उन्होंने मुझे ये कहा था कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक फेयर कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया था, एंड प्रोबेबिलिटी दैट सॉरी अ पर्सन विंस, उसने कहा कि एक पर्सन विन करता है अगर जो है तो उसको ₹5 मिलते फॉर विनिंग, एंड बेटा फॉर ईच हेड, और अगर उसका हेड आता है ओके, एंड लॉस ₹, उसको लॉस जो है वो 1.5 होता है बेटा अगर उसका टेल आता है अपसाइड पे, ओके दैट इज गिवन टू मी फ्रॉम अ सैंपल स्पेस, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। अगर एक कॉइन को 4 बार फेंका जाए तो उसने कहा कि कौन कौन सा अमाउंट उसको मिल सकता है। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में करवाया था, वैसे तो अगर देखे कि 4 बार कॉइन्स फेंका जाए, ये देखिए मेरे पास जो है 4 बार कॉइन फेंका जाए तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं बेटा, ये देखिए हेड टेल, ये दूसरी बार आया ठीक है, और थर्ड टाइम मेरे पास ये देखिए, देन मेरे पास जो है फोर्थ टाइम आया, तो ये सारे आउटकम्स बनते हैं ओके। अब आप इन सब जो है बेटा आउटकम्स में, अब मैं इधर नहीं लिख रही, आप इन सब आउटकम्स में अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती है। इफ यू सी, मेरे पास ऐसा हो सकता है ये टेल, 0 हेड आए तो बेटा 4 के 4 टेल्स आ सकते हैं ओके, या ऑप्शन क्या है 1 हेड आए तो ऑब्वियस है 3 टेल हो सकते हैं, 2 हेड आए तो मेरे पास 2 टेल्स हो सकते हैं ओके, देन अगर नंबर ऑफ हेड मेरे पास जो है 3 आए तो टेल एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि 4 बार कॉइन फेंका गया। अब और क्या हो सकता है, 4 हेड आए तो टेल मेरे पास 0 हो सकता है, यही होता है। अब मैंने निकालना है अमाउंट, आपको पता है अमाउंट कैसे निकलता है, अगर विन है तो मनी पॉजिटिव रहती है, अगर लॉस है तो हम माइनस कर देते हैं, एम आई राइट काव्या, ठीक है ना। अब 0 बार हेड आया यानी 0 × 1, क्योंकि हेड आने पे 1 रुपए जीतेगा, यही है ना। अब लॉस माइनस 4 टाइम लॉस आया तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास -₹6, व्हाट डज इट मीन, उसको ₹6 का घाटा होगा, लॉस होगा ओके। कम टू दिस, मेरे पास 1 बार हेड आया, हेड आने पे 1 रुपी मिलेगा, लॉस आने पे 1.5 हमने लेना है ओके, 1.5 ही हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए मेरे पास जो है 1 × 1 + 3 × मेरे पास जो है 1.5, इसकी कैलकुलेशंस आगे करते हैं, मुझे ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख ली। अब इधर देखिए 2 × 1 + 2 × 1.5, उसके बाद 3 × 1, मैं यहां से ले रही हूं क्योंकि हेड आने पे 1 रुपी मिलेगा, प्लस जो है 1 × 1.5। अब 4 टाइम्स हेड आया, 4 × 1 + 0 × 1.5, मतलब टेल आया ही नहीं तो ऑब्वियस है कोई लॉस ही नहीं होगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये लॉस था ना, या तो नेगेटिव इधर लगा लीजिए या नेगेटिव पहले इधर लगा लीजिए, ये आपकी मर्जी, क्योंकि ये लॉस होना है तो मैंने यहां पर ही नेगेटिव सबका लगा, इसका मैं इधर लगा चुका, ये चीज ध्यान रखो ओके। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, मेरे पास जो है ये तो जो है -₹6 का लॉस, अब यहां पर देखिए ये 1 माइनस जो है मेरे पास 4.5 ओके, तो मेरे पास आ गया -₹3.5 ओके, 2 मेरे पास जो है -₹3 - 1, नेक्स्ट देखे मेरे पास 3 - 1.5
तो 1.5, देखिए पॉजिटिव आ गया तो दैट मीन्स गेन हो गया, तो यहाँ पर रुपीज 4। अब उसने पूछा था ना कौन कौन सा अमाउंट आ सकता है, अमाउंट कौन कौन सा आ सकता है, 4 का प्रॉफिट, 1.5 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, 3.5 का लॉस, 6 का लॉस, दिस इज द अमाउंट जो मेरे पास आ सकता है अगर मैंने 4 बार कॉइन को टॉस किया। ओके काव्या, क्लियर? ठीक है जी। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अब मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ प्रोबेबिलिटी में आपको ये पता होना चाहिए कितने टोटल केसेस मेरे पास है। अभी मैंने जो ये ट्री बनाया था अगर आप देखते टोटल केसेस कितने थे, मेरे पास 16 केसेस थे, आप देख रहे थे ना सारे केसेस बनाया था। और मेरे पास ऐसा कौन सा केस है जिसमें 4 टेल्स आए, हेड कोई ना, वो एक ही केस है। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप सैंपल स्पेस बना के देखो, ठीक है, मैं मैन्युअली कर पा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जो है कितने का लॉस हो, 0.6 का। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, इवेंट E4, इवेंट E5, यू कैन राइट इवेंट E1। वो एक ही केस है जब आप टॉस 4 जो है एक कॉइन को 4 बार टॉस करते हो तो चारों के चारों टेल्स आए, 1 केस इज देयर, तो 1 बाय टोटल 16। ओके, अब एक हेड आए, 3 टेल्स आए, तो मैंने कैसे याद किया, वो मुझे पता है ये 4 केसेस हो सकते हैं, फिर भी चेक कर ले। वो कैसे, मेरे पास जो एक हेड है, हेड टेल टेल टेल, एक ये वाला केस, एक टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, और कोई हो ही नहीं सकता। या तो आप पहले ही पूरा सैंपल स्पेस लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। आई नो कि मेरे पास ये 4 ही केसेस हैं, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 4/16, 1/4, ऐसे ही सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपने। ओके काव्या, क्लियर बेटा? चले चलिए, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर, बेटा मेरे पास होंगे 18, ठीक है, लेट अस सी कि व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 18। क्लास जो है 11th ऑफ स्कूल जो है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, दे जस्ट राइट हियर कि वो सिर्फ जो है मैथमेटिक्स पढ़ती है, 40% दिया है, दैट मीन्स मेरी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 40/100 होगी। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 18th इट इज रिटन प्रोबेबिलिटी दैट दे लर्न और दे स्टडी मैथ इज 40%, दैट मीन्स 40/100। ओके, एंड 30% स्टडी बायो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो दैट इज गिवन टू मी 30/100। ओके, एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ बायो एंड मैथ्स, बोथ वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, बोथ मतलब इंटरसेक्शन इज गिवन टू मी, दोनों के दोनों एंड की बात हो रही है, और देखो लिखा भी हुआ है मैथमेटिक्स एंड बायो, एंड है तो दैट मीन्स यहाँ इंटरसेक्शन की बात हो रही है। मेरे पास जो है दैट इज 10%, मतलब 10/100। ओके बेटा, फिर इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायो, और का मतलब हमने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है बेटा, आई नीड टू कैलकुलेट दिस। ये मैंने अभी तक डाटा लिखा जो मेरी बुक में दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप M किस इवेंट को ले रहे हो, B किस इवेंट को ले रहे हो, मैंने स्टार्टिंग से ही लिख दिया,
आप लिखने के पहले यू हैव टू मेंशन लेट ई ओ सॉरी एम बी द इवेंट दैट मैथ्स इज स्टडिंग, इवेंट दैट स्टूडेंट स्टडी मैथ्स, एंड बी बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट स्टडी बायो. ऐसे लिखना बहुत जरूरी है बेटा. अगर आप नहीं लिखोगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में कि 2 years ago when I went to have a checking of plus two class, one of the student get 100 out of 100, the पूरी term का syllabus का paper होता था और उसके 2 marks काटे गए थे 2 probability के questions में जब plus two में करवाई जाती है. They have not mentioned which event they are taking about. Okay? तो आपको ये mention जरूर करना है कि आप M B किसको ले रहे. Okay बेटा? क्लियर. नाउ अब यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है कि बिल्कुल सेट थ्योरी वाले फॉर्मूले लगते हैं. एम यूनियन बी क्या किया था? रेज योर हैंड टू टेल मी द फॉर्मूला. हरिया हाँ जी, प्लस वन सी ए के बच्चे हैं, रेज योर हैंड बेटा. ओनली समृद्धि रिद्धि, बाकी ये समृद्धि रिद्धि. चलो समृद्धि बताएगी. ये समृद्धि, Your voice is not clear. Okay, Japan. Yes, Peter, Japan. Ma'am, probability of maths plus probability of bio minus probability of maths intersection bio. Very good, very good. So probability of M plus probability of B minus probability of M intersection B. आप इसको Venn diagram से भी कर सकते हो. हमें कोई problem नहीं. It is up to you. आप किससे कर रहे हैं? ओके, अब प्रोबेबिलिटी मैथ्स की 40/100, बायो की 30/100 और इंटरसेक्शन 10/100. मैंने कटिंग क्यों नहीं की? मुझे पता जब बेस सेम होता है ना तो कैलकुलेशंस, सॉरी डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाती है. सीधा 100 एलसीएम आएगा, 40 प्लस 30 माइनस 10 तो 70 माइनस 10 60/100 cutting and 0.6 is the answer. Okay, very easy. Probability is very easy in plus one. ठीक है? चलिए. Now let us do the next question, beta. That is question number 19th. Okay. अब question number 19th में मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है? Let us read that question. In an entrance exam, that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first test. अब उसने कहा है कि एक entrance exam है, okay? और वो totally 2 examinations पर based है, okay? तो they clearly mention कि probability of a randomly chosen student, हमने जो choose करना एक student कि उसने फर्स्ट एग्जाम ही क्लियर किया है, ओके? उसकी प्रोबेबिलिटी जो है नाइन्थ क्वेश्चन में वो दी हुई है. मैं फर्स्ट को एफ से, ओके, दैट इज 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी एस. आप क्लियरली पहले मेंशन करो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज इवेंट दैट अ स्टूडेंट विल क्लियर the first examination is F and he will clear the second examination that is S. Okay? और मैंने अब clearly यहाँ पर लिख दिया. The probability of passing at least one of them. Probability of passing at least one of them. जो है that is 0.95. Okay, what is the probability of passing both? अब both का निकालना है. What does it means? I need to calculate it. मेरे को जैसे data दिया मैंने लिख दिया. अब मैंने इसको interpret करना है. At least one of them का मतलब क्या होता है? Anybody from your side? हमने set theory में किया है. At least one of them. हाँ जी. चलो समृद्धि से पूछते हैं. ये समृद्धि
एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा। एक सा एक से ज्यादा, बिल्कुल। तो यहां पर वो क्या बनता है कि वो हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं या फिर दोनों ही कर रहे हैं? दोनों ही कर रहा है। अगर मैं आपको वेन डायग्राम में बना के दिखाती हूँ, है ना, या वो वन क्लियर कर रहा है, वन का मतलब सिर्फ इतना इतना, ओनली वन, इधर और ये इधर, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम है, ये सेकेंड है, और वो दोनों कर रहा है, दोनों कर रहा है मतलब इंटरसेक्शन। तो ये सारा मिला के ये क्या बनता है, क्या बनता है यहां पर? हाँ जी, बाकी बच्चे सिर्फ जपन जोत और बाकी और किसी ने नहीं, ये जपन जोत, मैम यूनियन। यस, इट बिकम यूनियन। यहां पर उसने कहा क्योंकि दो ही चीजें ना, हमने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो 100% यहाँ पर दैट मीन्स, क्योंकि उसने कहा या तो वो फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर रहा है या सेकंड या दोनों, तो यानी दोनों को सबको मैंने शेड करके देखा तो वो मेरी यूनियन हो गई। दैट मीन्स मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एफ यूनियन एस दे दिया बेटा 0.95, और कुछ भी नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि एक ही तो फॉर्मूला हमने किया, उसी से सारे फॉर्मूले डेवलप किए हैं। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यूनियन एस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। मैं हमेशा वही इवेंट्स लेती हूँ, फर्स्ट सेकंड जो जो दिया है, मैथ्स बायो, उससे ना थोड़ा इजीली पता चल जाता है। ए भी नहीं लेती हूँ, ई वन ई टू नहीं लेती हूँ, ठीक है, इससे हमें जल्दी पता चल जाता है। अब यूनियन की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.95, एफ की वैल्यू मुझे 0.8 और एस की वैल्यू 0.7, और मुझे ये कैलकुलेट करनी है बस, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर माइनस ले आओ, यू विल गेट योर आंसर। एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट टू एनी वन, कोई डाउट है किसी का बेटा? अबे अदिति, आशीष, दिव्यांशी, गुरजोत, गुरसीरत, हर्ष वर्धन, जपन जोत, जतीन, काव्या, सबको क्लियर? मन्नत, नमन, रिद्धि, सिद्धि, युवराज, सबको क्लियर है? चले आगे, ध्रुव, ध्रुव अग्रवाल, कशिश, चलिए चलिए, गुड, चलिए बेटा, नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा टॉपिक है आप एक बार कर लोगे तो आपको कोई बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फॉर्मूलेस आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास अ फाइनल एग्जाम जो है इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, अब बोथ दे दिया, क्लियर कट है ना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्ड्स मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसको? इंटरसेक्शन को। तो दैट मींस इट इज गिवन टू मी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, देखो इंग्लिश को ई इवेंट से, हिंदी को एच इवेंट से, दैट इज गिवन टू मी 0.5। ओके बेटा, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, कोई भी क्लियर नहीं करता, व्हाट डज इट मींस, क्या दिया मुझे, हरी अप। The probability of passing neither is, कोई भी क्लियर नहीं करता, what does it means, क्या दिया हुआ मुझे, जल्दी। Yes रिद्धि, मैम इनका कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट मैम? नाइदर वाला मतलब कि ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर मतलब हम यूनियन कैसे ले कि इंटरसेक्शन ले, ये कैसे पता चलता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो है मैं मतलब वो दोनों पास नहीं कर रहा वो, तो यू नहीं, वो दोनों पास नहीं कर रहा है तो इंटरसेक्शन आएगा कि मेरे पास जो है
यूनियन आएगा, ये कंफर्म करना चाहती हूँ। आप कैसे जज करते हो, कैसे जज करते हो, मैं ये कह रही हूँ। नहीं पता ना, ये देखिए मैं बताती हूँ कि वो कोई भी मतलब यहाँ पर उसने कहा कि ना तो वो मतलब मैं उसका कर रहा है इंग्लिश का कर रहा है और ना ही वो क्या कर रहा है मेरे पास जो है हिंदी का कर रहा है, मतलब वो दोनों ही नहीं मेरे पास कर रहा है ना। जब दोनों ही नहीं करता हमारे पास तो दैट मीन्स कि मेरे पास वो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है। देखिए मैं लिखने लगी हूँ आपके लिए यहाँ पर, आई एम राइटिंग हियर, दैट इज दे आर नॉट क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास जो है इंटरसेक्शन जो है एच कॉम्प्लीमेंट दैट इज गिवन टू मी 0.1, क्योंकि वो दोनों नहीं कर रहा। ओके अब यहां से हम दोनों, क्योंकि वो बात कर रहा है नाइदर, नाइदर का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा ना, इसीलिए वहां पर जो है क्या लगता है इंटरसेक्शन। ये कंफ्यूजन नॉर्मली बच्चों को होती है कि मैम यूनियन लगाए कि इंटरसेक्शन लगाए। अब देखो मैंने आपको आगे भी बताया था जब ये कॉमन बाहर डैश लेना होता है ना तो इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, ऐसे होता है कि नहीं होता, करते हैं ना जब कॉमन लेना होता है, दैट इज 0.1। ओके फिर ये डैश हटाना हो तो 1 minus probability of E union H। मैं एक और आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि कोई भी चीज नहीं करना। ये मेरे पास डायग्राम है, ये वाला निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, पूरे में से ये यूनियन माइनस कर दें, देखो तो पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, 1 में से ये माइनस कर, ज्यादा क्लैरिटी हो गया। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एच जो है ये इधर चला गया, ये इधर आ गया 0.9। ये मेरी अब यूज हो, ये मेरी सेकंड, ये यूज होगा, पता चला। अब इस रिजल्ट को मैंने इसमें चेंज कर, क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम ऑफ इंग्लिश इज, जो है मेरे पास इंग्लिश क्लियर करने का जो है वो 0.75 है, तो बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट हिंदी एग्जाम, ये निकाल, क्या करेंगे, वेरी इजी, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इंग्लिश का है, एच का निकाल, एक ही अननोन क्वांटिटी होती है जो हम निकालेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ई यूनियन एच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, पुट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, क्लियर बेटा, सबको बात समझ आ गई, एनी डाउट बेटा, साथ साथ पूछोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट। युवराज सिंह क्लियर बेटा, हिमांशु, ध्रुव, ध्रुव अग्रवाल, मयंक, मेघा, रमनीक, समृद्धि, प्रभाकर, क्लियर बेटा, चले आगे, चलिए गुड, चलिए बेटा। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या कहता है वो, फिर उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं व्हाट इज रिटन हियर। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन 21st बेटा, फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, इट इज रिटन इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मुझे बोला गया कि 60 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 60 है। ओके 30 ऑप्टेड फॉर NCC, that means number of NCC candidates जो है वो 30 है,
एन मतलब नंबर, ओके, एंड नंबर ऑफ एन एस एस दैट इज 32, 20 ऑप्टेड बोथ दैट मीन्स नंबर ऑफ एन सी सी इंटरसेक्शन एन एस एस दैट इज 24. इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रेंडम, मुझे जो है एक स्टूडेंट निकालना है इन्हीं में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड. अब मेरी एम है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन सी सी और एन एस एस. अब और का मतलब क्या होता है? हाँ जी, और का मीनिंग क्या यूज करते हैं और के लिए? हाँ जी, एक्सेप्ट जपन ज्योत रिद्धि समृद्धि के अलावा कोई और बच्चा भी आगे आए कि मैं नेम लू. चलिए अर्शदीप, ओके अर्शदीप. वेट वेट, हाँ जी अर्शदीप. यस बेटा. मैम यूनियन. यस बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है एन सी सी यूनियन एन एस एस. बिल्कुल करेक्ट है. अब यूनियन का मतलब प्रोबेबिलिटी एन सी सी प्लस एन एस एस माइनस प्रोबेबिलिटी एन सी सी इंटरसेक्शन एन एस एस. कोई मुश्किल है? अब ये नंबर दिया है, मुझे प्रोबेबिलिटी लेनी है, यानी एन सी सी के 30 कैंडिडेट्स है, टोटल 60 है. यहाँ बच्चे गलती करते, वो अकेला 30 लिख देते, वो तो बेटा सेट थ्योरी का काम हो गया. प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल ओवर टोटल प्लस एन एस एस 32/60 माइनस कॉमन 24/60. ओके जी, सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा द स्टूडेंट हैज नाइदर ऑप्टेड. स्टूडेंट ने जो है ना तो बेटा एनसीसी ली है और ना ही जो है वो एनएसएस लेता है. अब व्हाट डज इट मींस मेरे पास जो है बेटा यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब आप बताइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना इधर आए तो हम क्या करते हैं? ना उसने वो लेना है, ना उसने वो लेना है. दैट मीन्स ना का मतलब है मुझे नॉट लेना ही लेना है, लेकिन बीच में यूनियन आना है कि इंटरसेक्शन. मैंने पहले भी आपको बताया ना इधर का मतलब वो साथ साथ होता है, मतलब दोनों ही चीजें नहीं है ना. तो दैट मीन्स क्या लेंगे? ये समृद्धि इंटरसेक्शन. यस बिल्कुल, हम सेकंड पार्ट में बेटा कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी एन सी सी नॉट इंटरसेक्शन एन एस एस नॉट. ठीक है, अब नॉट को मैं फॉर्मूलेज लर्न नहीं करती यहाँ, मैं खुद बनाती हूँ हर क्वेश्चन के. ठीक है, तो एन सी सी इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन ये नॉट. तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एन सी सी यूनियन एन एस एस. ओके बेटा, तो ये यूनियन मैंने यहाँ कैलकुलेट किया होगा, वन में से वो माइनस कर दी. ओके क्लियर. और लास्ट पार्ट है मेरे पास, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एन एस एस बट नॉट एन सी सी. उसने एन एस एस ऑप्ट किया है, प्रोबेबिलिटी मुझे एन एस एस एन एस एस ऑप्ट किया है बट मेरे पास जो है एन सी सी नहीं ऑप्ट की है. नॉट डैश से भी कर सकते हो, बार से भी, यानी क्या करें, एन एस एस में से एन सी सी वाले माइनस, माइनस वाले करते थे ना हम, अगर आपको याद हो तो वो क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी एन एस एस में से क्या करें, इंटरसेक्शन माइनस कर दे. ये चीज आपको ध्यान से समझ ली, ये ओके. एन एस एस में से दोनों की इंटरसेक्शन वाले क्या कर दे, माइनस प्रोबेबिलिटी कर दे. यू विल गेट योर आंसर. ओके बेटा, दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज. ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जांपल ऑन मंडे. ओके, be ready for your test also.
जो है, क्लियर? ठीक है, आई विल सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप फॉर द टेस्ट. टिल देन गुड बाय.